गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नई वीडियो लिया हूं मैं आपके लिए, ठीक है। और चैप्टर सेम है यहाँ पे आपका, कौन सा चैप्टर? 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ठीक है। होमवर्क मैंने आपको दे दिया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट करने हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 2 के 1, 2, 5 आपको करने हैं, बचे हुए पार्ट मैं आपको कराऊंगा। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं क्या, हाउ टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। हमें वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है बाय एलिमिनेशन मेथड, होप सो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आ गया होगा। तो ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशन यहां पे दे रखी है आपको, लेट इनको ज़ूम कर लेते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहां पे हमें क्या करना है भाई, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, यानी कि जीरो बना देना है, कैंसिल करना है पूरा। चाहो तो आप भाई इस एक्स वाले को रिमूव कर दो या फिर आप वाई वाले को, दैट डिपेंड्स, ठीक है। अब करते कैसे है एक बार इसको देख लो, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं वाई को एलिमिनेट कर दूं इससे, ठीक है। आप एक्स को भी कर सकते हो, तो देखो करते कैसे है, ठीक है। Now the coefficient of y is 2 and 3, ठीक है। So LCM of 2 and 3, तो इनका LCM क्या आएगा, 6 आएगा, इनका LCM 6 आएगा, तो इनके जो coefficient है मुझे 6 बनाने हैं। तो 6 कैसे बनेंगे भाई, 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 बन जाएगा, और 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, खाली इंडिविजुअल को नहीं करेंगे, हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। So, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, 1 को 3 से करेंगे तो 1 को 3 से कर दो, ठीक है। एंड इक्वेशन टू बाय 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये क्या बन जाएगी करके देखो, तो 3 हो गया, 3 3 9, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, खाली इससे भी सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये जाएगा 3 3 9x 6y और 33, ठीक है। इसको ले लो इक्वेशन 3, और ये हो जाएगी भाई 2 2 4x 3 2 6y और 4 2 8, ये हो गया इक्वेशन 4, है ना, सिंपल। अब देखो क्या हो गया, सेम हो गया ना, 6y 6y, ऐसे ही करना है। आप एक्स को भी कर सकते हो सेम मेथड से, ठीक है, मर्जी आपकी। तो देखिए आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, तो भाई 4 को माइनस कर रहे हैं हम 3 से, तो लिख लेते हैं भाई 9x प्लस 6y इक्वल टू 33, ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 8। तो साइन चेंज आएंगे इनके सबके, भाई ये प्लस था ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस था माइनस, ये प्लस था माइनस, सबके साइन चेंज, ठीक है। तो भाई 9 में से 4 गया 5x, साइन हमेशा बड़े नंबर का, ये तो कैंसिल हो ही गया, ठीक है। 33 में से 8 जाएगा तो 25, और साइन बड़े नंबर का, 33 का प्लस है, तो यहां पे x कितना आ गया, x आ गया 5, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू आप किसी में भी रख लो भाई, यहां रख लो चाहे इनमें से किसी भी क्वेश्चन में रख लो, वाई की वैल्यू निकल आएगी। नाउ सब्स्टिट्यूट, हम क्या करते हैं वन पे रखते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन फर्स्ट, सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट कर लो फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा 3 × 5 + 2y = 11, ये हो जाएगा 15 + 2y = 11, 15 इधर चला जाएगा, प्लस का है उधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 2y = 11 - 15, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 4, किसका, माइनस का, हमेशा बड़े नंबर का साइन, ये बचा यहाँ पे 2y, तो 2 से 2, 2 2 जा, तो y कितना आ गया -2। तो वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स एंड वाई बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो वीडियो खत्म करने से पहले बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट जरूर करना आपको, ठीक है, थैंक यू।